हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम बनाने वाले हैं फिश, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी है, उसको फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हमने ले लिया पोमफ्रे फिश। पोमफ्रे आपको बाजार में इजीली मिलता है, तो इसको हमने हल्दी और नमक लगा के छोड़ दिया है और इसको हम फ्राई करेंगे, इसलिए इसको हमने ऐसे रखा है। तो आप अगर आपके पास पोमफ्रे नहीं है तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई भी और फिश भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही इजी और फास्ट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है प्याज फाइन चॉप किया हुआ, और ये है पेस्ट, जो राई सरसों का दाना नहीं होता, राई उसी को हमने पेस्ट कर लिया है। और इसमें हमने डाला था थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची, इन तीनों चीजों को डाल के इसका हमने पेस्ट कर लिया अच्छा सा। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही रखी है हमने, क्योंकि यही हमारा मेन ग्रेवी है। और इसमें हमने ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के रखा है। आप चाहो तो हल्दी पाउडर अलग से भी डाल सकते हो कढ़ाई में, जब आप बना रहे होंगे। और ये है दही, ये दोनों चीजें हमें ग्रेवी बनाने के लिए यूज होगा। आप चाहो तो मिर्ची भी अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बोला मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, राई का दाना या सरसों का दाना लेके उसके साथ लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची डाल के ये पेस्ट बना है हमने, इसी से हमारी मेन ग्रेवी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा फिश है उसको हम फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि ये एक बंगाली रेसिपी है तो हम मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और उसमें तेल डाला है थोड़ा सा, ये फिश फ्राई करने के लिए है। तो अभी इसमें हम फिश फ्राई करेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमने यहाँ पे डाल दिया है फिश, और इसको हम अब धीमी आंच में फ्राई करेंगे। इसको आपको धीमी आंच में फ्राई करना है। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसको बस हल्का सा फ्राई करके हम उठा लेंगे। तो एक साइड से फ्राई होने के बाद हमने इसको दूसरे साइड से पलट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ट्रेडिशनल बंगाली क्विजीन है, तो अगर आपको बंगाली खाना पसंद है या फिर फिश पसंद है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए कैसे एक साइड पे कलर आ चुका है, ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है। अब अगले तरफ भी हमने पलट के रख दिया है इसको फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसे उठा लेंगे ऐसे, ये हमारा फिश हो चुका है फ्राई और हमने इसको ऐसे अब उठा के रख लेंगे। तो ऐसे फिश फ्राई करके हमने रख लिया है, अब हम ग्रेवी स्टार्ट करेंगे। ग्रेवी के लिए यहाँ पे जो तेल जिसमें हमने मछली फ्राई किया था उसी तेल में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारा मछली का फ्लेवर है। तो ये तेल हम यही यूज़ करेंगे जिससे इसके ग्रेवी का भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाए। तो आप भी यही ऑयल यूज़ करना। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे हमने लगभग दो बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया है। आप अगर ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से भी प्याज या लहसुन या फिर पेस्ट इन सब का क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें कलर आ चुका है कितना अच्छा, और हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट करके रखा था, आपको दिखाया था मैंने मस्टर्ड का, सरसों राई के दाने का जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्ची के साथ, उसी को उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने हल्दी पाउडर भी इसी में डाल दिया था। और अब हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच बड़ी चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार अपना नमक की मात्रा भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे।
तो अब इसको भूनने के टाइम पे हम इसमें दही डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हम लगभग 2 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और इसका टेस्ट बहुत एनहेंस भी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है इसने साइड से, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। अब पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से सिमर कर लेंगे, एक बॉईल आ जाने देंगे। अच्छे से जब ये बॉईल होगा तब हम इसमें फिश ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही बॉईल हो रहा था हम इसमें फिश डाल रहे हैं, और फिश डाल के इसको सिमर करेंगे थोड़ा सा। अब हम ग्रेवी आपको जैसे खानी है, अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा देर तक पका के फिर फिश ऐड कर सकते हो ताकि ग्रेवी क्वांटिटी एकदम रिड्यूस हो जाए। हम थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा ही रखेंगे अच्छे क्वांटिटी में, इसलिए हमने अभी फिश डाल दिया है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इससे, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। और अब हम इसको सिमर होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए इसको हमने लगभग 5 मिनट तक सिमर कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पोमफ्रे बिल्कुल तैयार है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा आया है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको बनाना और इसको ट्राई करना, और आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही आप हमारे साथ तरह तरह की चीज़ें बनाते रहिए।